बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। चारों विधानसभा के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें गया जिले के 2 विधानसभा सीट हैं। इन सीटों पर उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों यानी कि इमामगंज और बेलागंज विधानसभा के लिए जनसुराज ने अपने प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र कुमार और मोहम्मद अमजद को उतारा है। जितेंद्र कुमार इंटर पास हैं और मोहम्मद अमजद मैट्रिक पास। जितेंद्र कुमार के पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनके चुनावी पोस्टर बैनर में डॉक्टर जितेंद्र कुमार लिखा हुआ है। डॉक्टर लिखे जाने के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि वह BHMD शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी राजनंदन प्रसाद के साथ 10 साल रहे। वे शिशु रोग विशेषज्ञ थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं 10 साल साथ रहा तो मैं भी शिशु रोग विशेषज्ञ हुआ। क्या कुछ कहा जितेंद्र कुमार ने, आप खुद भी सुन लीजिए। बहुत बढ़िया चल रहा है प्रचार प्रचारक। जनता के बीच डोर टू डोर हम जा रहे हैं, है ना। हर गली को हम देख रहे हैं, हर रोड को देख रहे हैं। लगता है कि ठेस लग जाएगा तो 3 ढोल मुनिया खेलेगा। बहुत जनता आक्रोशित है कि भाई मांझी जी को एक एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हम लोग जीताए, लेकिन आज सड़क जो है कि बदहाली बदहाली है, चलने में ठेस लगता है ना। कभी हम लोग के बीच नहीं आते हैं। जब गया से पटना से चलते हैं तो शीशा कुछ आदमी के बात खुलता है, न तो बाती है जो दलितों के बीच वो नहीं रुकते हैं और न कहीं कोई वार्तालाप करते हैं। अबर है कि बाहरी भगाओ लोकल जिताओ, यही मामला चल रहा है। कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का हमने बेटा है, नेता नहीं है, इसलिए पार्टी उटी कुछ नहीं चलेगा। यहाँ लोकल डॉक्टर जितेंद्र को जिताने का पूरे जनता संकल्प ले लिया है। अब कैसे ये जनता सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कैसे करते हैं? हमने साहिबगंज पंचायत का 2011 से 2022 तक 3 टर्म मुखिया प्रतिनिधि हमने रहे, है ना। कोरोना काल जब देश हिल रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बंद करके घर में पड़े हुए थे, उस समय जितेंद्र अपना सेटर खोल के जनता के प्रति खड़ा था। आने वाला प्रवासियों के लिए मतलब खाना पीना का व्यवस्था कर रहा था, 2-2, 3-3 क्वारंटाइन सेंटर चला रहा था, जन जागरूकता अभियान चला रहे थे। कहीं कहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता था तो रात बिरात कभी नहीं चिंते थे, उस तरह से जनता के बीच उस समय खड़ा थे। हम गरीब घराना का बेटा हैं। हमने BHMD डॉक्टर चौधरी राजनंदन प्रसाद जी के यहाँ करीबन 10 साल 24 आवर उनके साथ रहा। हम पेशे में ग्रामीण चिकित्सक हैं और अपना ग्रामीणों के बीच जा जा कर हम ना फर्स्ट एड करते हैं। पैसा रहे ना रहे उसका बिना परवाह किए हुए उसका इलाज करने का हम काम करते हैं। आज इसी का नतीजा है कि मेरे साथ जैन सैलाब उमड़े हुए हैं। मैट्रिक पास किए हम 94 में किए, मैट्रिक पास इंटर पास किए 94 मतलब 96 में, ये खेर घाटी सत्यानंद डिग्री कॉलेज। हम तो ग्रामीण चिकित्सक वहाँ बोल रहे हैं। हाँ, इक्वली है कि BHMD डॉक्टर चौधरी राजनंदन प्रसाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे भाई, उनसे सीखे हैं तो बच्चे ही ना देखेंगे। ऐसे BNYS मेरा चल रहा है जोधपुर से, सेकंड ईयर चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कोठी डुमरिया क्षेत्र का जितने भी है, आज हम बांके बाजार प्रखंड में गोठा पंचायत
टंडवा पंचायत, दो पंचायत को अभी आज भ्रमण करते हुए अभी आए हैं। समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन है। क्या लगता है कहाँ लड़ाई है? मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, दूर दूर तक मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं। बता दें कि प्रशांत किशोर सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कई मुख्य दलों के रणनीतिकार भी बने हैं, अब अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन अपनी पार्टी की ही पहली परीक्षा में वंचित दिख रहे हैं। दरअसल उन्होंने इमामगंज विधानसभा के लिए जिस उम्मीदवार की घोषणा की थी उसका नाम उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र कुमार बताया। वास्तव में ऐसा नहीं है। जितेंद्र कुमार ग्रामीण चिकित्सा सेवा से जुड़े हैं, लेकिन उनके पास डॉक्टर लिखने की कोई डिग्री नहीं है। इनका चुनाव प्रचार देखें तो इनकी डिस्पेंसरी से लेकर बाजार में छाए पोस्टर बैनर में डॉक्टर जितेंद्र कुमार लिखा हुआ है। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि जितेंद्र कुमार डॉक्टर जितेंद्र कैसे हो गए, डॉक्टर जितेंद्र लिखा हुआ पोस्टर बैनर कैसे बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार कहकर कैसे संबोधित कर दिया। वही मोहम्मद अमजद बेलागंज से जनसुराज के उम्मीदवार हैं, यह मैट्रिक पास हैं। इनके खिलाफ 5 केस दर्ज रहे हैं, विभिन्न संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज रहा है। यह 19 लाख की कार से चलते हैं, इनका पेशा कृषि और व्यापार का है। उनकी शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक की है, उन्होंने बेलागंज उच्च विद्यालय से मैट्रिक पास की है। इनके हाथ में नकदी 6,30,000 है। मैट्रिक पास जनसुराज के बेलागंज विधानसभा के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से प्रत्याशियों का चुनाव जनसुराज की ओर से किया गया है, तो उसके बाद सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। दर्श न्यूज के लिए गया से मनीष की रिपोर्ट।